हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस एमएससी केमिस्ट्री। इन दिस मॉड्यूल आई विल डिस्कस पेपर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफ सेमेस्टर थर्ड ऑफ एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर। द टॉपिक इज एक्वाटिक केमिस्ट्री एंड वाटर पॉल्यूशन। I, Dr. Devendra Hirwar, Assistant Professor of Chemistry, Government PG College, Bareilly, District Raisen, Madhya Pradesh. Short description of topic. The subject is Chemistry, Year 2nd, Semester 3rd, Unit 3rd, Paper Name, Environmental Chemistry, MCH 503. Prerequisites. जो आपको आना चाहिए इस लेक्चर को सुनने से पहले, रेडॉक्स रिएक्शंस, टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स एंड एनालिसिस। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड रेडॉक्स केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल वाटर्स, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ, बीओडी एंड सीओडी। These are the content of lecture aquatic chemistry, water pollution, redox chemistry and of natural water, DO, BOD, COD and their determination. सर्व प्रथम हम वाटर पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। वाटर पॉल्यूशन हानिकारक पदार्थों का जल स्रोतों में मिल जाना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। हानिकारक पदार्थ जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेडियो एक्टिव पेस्टिसाइड्स मटेरियल जो कि वहाँ की एक्वाटिक लाइफ के लिए हानिकारक होते हैं, वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। वाटर पोल्यूटेंट्स पोल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑफन केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer or other body of water, degrading water quality and rendering it toxic to humans or the environment. Water quality parameter depend on physical, chemical and biological contents. Environmental degradation occurs when pollutants are directly or indirectly discharged into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. The specific contaminants leading to pollution in water include a wide spectrum of chemicals, pathogens, and physical changes such as elevated temperature and discoloration. मुख्यतः यह देखा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट केमिकल्स निकलते हैं उनको डायरेक्टली जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कई बार बहुत ही गर्म पानी जो जल स्रोतों में छोड़ा जाता है वह भी जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है और जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो थर्म गर्म वाटर है उसको भी जल प्रदूषक के तौर पर लिया जाता है। कुछ यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ वाटर वाटर पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्बनिक जैवीय पदार्थ या मृत जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जिसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट और इनऑर्गेनिक आयंस आते हैं, जैसे कैडमियम, लेड, मर्करी, आर्सेनिक और विभिन्न प्रकार के सल्फेट और नाइट्रेट। सेडिमेंट्स जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल जो कि जल की पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं और जल में टर्बिडिटी उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण भी एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है और जलीय जीवों का सर्वाइव करना कठिन हो जाता है।
रेडियोएक्टिव पदार्थ भी जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं। थर्मल पॉल्यूटेंट्स, जैसा मैंने बताया कि गर्म जल या गर्म केमिकल जो कि जल स्रोतों में छोड़े जाते हैं, जिसके कारण वहां के जीव मर जाते हैं, जो कि एक प्रदूषक के तौर पर लिया गया है। यहाँ पर कुछ शब्दावली को हम समझते हैं, जैसे ऑक्सीकरण, रिडक्शन, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सिक वाटर, सब ऑक्सिक वाटर, रिड्यूसिंग वाटर। ऑक्सीडेशन सिंपल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। दूसरी रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। रिडक्टेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ऑक्सीडेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ऑक्सिक वाटर वह जल जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ही पर्याप्त मात्रा है और जहां पर जलीय जीव आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पर आसानी से फिशेस और एल्गी वगैरह आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद हम सबऑक्सिक वाटर की बात करते हैं, जहां पर जलीय जीवों का सर्वाइव करना बहुत ही कठिन है या वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ही कमी होती है। रिड्यूसिंग वाटर, जब बहुत ही अत्यधिक प्रदूषित जल जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट है, उस वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है जल प्रदूषण रिड्यूसिंग नेचर का होता है और वहां पर एनोक्सिक कंडीशन होती है, जिसके कारण मटेरियल रिड्यूस होने लगते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक आयरन और विभिन्न आयनों का रिडक्शन प्रारंभ हो जाता है। रिडॉक्स कंडीशन इन नेचुरल वाटर, सर्वप्रथम हम रिडॉक्स कंडीशन किस तरीके से निर्मित होती है इस पर हम बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस मुख्यतः दो रिएक्शन पर निर्भर करती है, प्रक्रिया पर निर्भर करती है। पहली है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है माइक्रोवियल डिकम्पोजिशन। पहली फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टोन्स और जलीय पौधों के द्वारा रासायनिक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, और दूसरी प्रक्रिया जिसमें उसी कंपाउंड का माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कंपाउंड्स और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कुछ ट्रेस एलिमेंट की भी आवश्यकता होती है, जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट आदि आयनों की भी एलिमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में प्लांट्स में बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये सामान्य प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्लैंक्टोन्स फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फास्फेट और जल के अणु और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स मिलकर और ऊर्जा सनलाइट की प्रेजेंस में एल्गी में कार्बनिक मटेरियल का निर्माण होता है। रेडॉक्स रिएक्शन इन रेस्पिरेशन एंड डिके, जब कार्बनिक पदार्थ जो कि जलीय जीवों और पौधों में बनता है या होता है, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फास्फेट और जल अणु में विभक्त हो जाता है। फ्री ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय डिके ऑफ एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस, कार्बन इज रिलीज्ड एज CO2 इन ऑर्गेनिकली, नाइट्रोजन एज नाइट्रेट and phosphorus as phosphates. When molecular oxygen is not available, अर्थात जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी
तब रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का मीथेन में और विभिन्न आयनों का रिडक्शन भी प्रारंभ हो जाता है। यहां पर हम कुछ जलीय रिडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होकर H2O फॉर्म करती है और नाइट्रेट जो है उसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रेट एंड नाइट्राइट हाईली नाइट्रिफिकेशन इज द टू स्टेप प्रोसेस इन विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स एंड डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रेट एंड नाइट्राइट हाईली ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय मेनी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटू गैसियस नाइट्रोजन इट कैन बी तो ऑफ द ऑपोजिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बाद आप देखते हैं फेरिक आयरन रिडक्शन, यह भी ऑक्सीजन की कमी होने पर रिडक्शन होता है। इसी प्रकार सल्फेट का रिडक्शन सल्फाइड में होता है। आप जल स्रोतों में देखते हैं कि एक जो प्रदूषित जल होता है उसमें जो गंध आती है वह हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है और जो प्रदूषित जल है उसमें जल उसकी ऊपरी सतह पर जब हम देखते हैं तो रेड ब्राउन सतह दिखाई देती है और निचली सतह पर चट्टानों आदि पर ब्लैक ब्राउन सतह दिखाई देती है जो कि इस बात का द्योतक है कि वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है, अर्थात वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ही कमी है। इसके बाद में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मेथोजेनेसिस प्रोसेस और इसी प्रकार फर्मेंटेशन प्रोसेस भी होती है। एक जल स्रोत में ऑक्सीजन H2O कन्वर्जन एरोबिक कंडीशन में और डीनाइट्रोफर्स द्वारा नाइट्रेट का कन्वर्जन N2 में, मैग्नीज का रिडक्शन Mn+2 में, फेरिक का रिडक्शन फेरस में, सल्फेट का रिडक्शन H2S में, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन CH4 में होता है। इसी क्रम में जो है जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल गिरता है वैसे वैसे हाई रिडक्शन होते चला जाता है। वाटर सेडिमेंट इन मड, जल जल में हम अभिक्रिया का एक क्रम देखते हैं जिसमें सामान्य ऑक्सिक वाटर में ऑक्सीजन फेरिक आयरन नाइट्रेट और सल्फेट उपस्थित होते हैं। देन जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है वैसे वैसे ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। देन नाइट्रेट का रिडक्शन N2 में, फेरिक आयन का रिडक्शन फेरस आयन में, सल्फेट का रिडक्शन सल्फाइड में और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मीथेन में होता है। Some important points related to redox condition. First, we will discuss organic control content controlled by PE. PE that means electron activity. PE indicates the
tendency of a solution to donate or accept a proton. If PE is low, the solution is reducing. Alternatively, if PE is high, the solution is oxidizing. That means PE completely control the organic content, and acid-base chemistry or solubility phenomena control inorganic contents. Change in PE. PE का लेवल जब हाई रहेगा तब ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन होगा, और PE का लेवल जब कम रहेगा तब रिड्यूसिंग सॉल्यूशन रहेगा. अर्थात जल जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा. प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कंट्रोल्ड बाय इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. EH is the redox potential of solution and a measure of relative intensity of oxidizing or reducing conditions in a given system. It is expressed in volts and at a equilibrium can be expressed by standard equation of chemical thermodynamics. Then PE electron activity बताई दिया है, जिसमें हम सॉल्यूशन के प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर व्यवहार को देखते हैं, और जिसमें सॉल्यूशन की एक्टिविटी को देखते हैं कि वह किस तरीके का व्यवहार करता है, कि वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है या रिड्यूसिंग नेचर का है. सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस. अ जनरल सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड which range from highly oxidizing condition to strong reducing condition. When organic matter is degrading in a system which is isolated from the atmospheric, aerobic decay takes place, first depleting all free wood. इसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम ऑक्सीकरण होता है, और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है तो पानी में आयनों का और विभिन्न प्रकार के रसायनों का रिडक्शन प्रारंभ हो जाता है. रिडॉक्स केमिस्ट्री इन नेचुरल वाटर. ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर इज डोमिनेटेड बाय रिडॉक्स केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर is controlled by acid-base solubility phenomena. When a muddy sediment at bottom of a river, जब हम किसी जल स्रोत में यह देखते हैं कि बहुत बदबूदार पानी जो कि सड़े हुए अंडे के जैसी गंध आती है, वह H2S गैस के कारण होता है, और उसकी निचली सतह ब्लैक ब्राउन होती है. इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ही कमी है. अब हम बात करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन की. डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है और यह किस लेवल तक आवश्यक होती है. डिसॉल्व ऑक्सीजन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड अवेलेबल फॉर फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ. जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, वह डिसॉल्व ऑक्सीजन कहलाती है. 5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक ऑक्सीजन होने पर एक्वाटिक लाइफ सरवाइव कर पाती है, और इससे कम होने पर एक्वाटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती, वहां के जीव जीवित नहीं रह सकते. इंडिकेट्स द हेल्प ऑफ एक्वाटिक सिस्टम कैन रेंज. इसमें 0 टू 80 ppm आर मिलीग्राम पर लीटर में हम इसको मेजर करते हैं. द मोस्ट नेचुरल वाटर सिस्टम रिक्वायर्स 5 टू 6 ppm टू सपोर्ट अ डाइवर्स पॉपुलेशंस, वेरीज विद टाइम ऑफ डे, वेदर, टेम्परेचर. डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को जो जल का कॉन्टेक्ट एरिया है
वायु वायु में ऑक्सीजन से उसके द्वारा प्रभावित होता है। तापमान बढ़ने पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। सैलिनिटी डिजॉल्व ऑक्सीजन की लेवल को प्रभावित करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अत्यधिक होने पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और एटमॉस्फेरिक लेवल कम होने पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनिक एक्टिविटीज से भी डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल प्रभावित होता है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड एक्वाटिक लाइफ, डीओ इज इंपॉर्टेंट टू मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ। ये हमने अभी देखा कि जलीय जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जिसमें फिश, बैक्टीरिया और प्लांट सभी आते हैं। ऑर्गेनिज्म यूज O2 इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में इसका उपयोग करते हैं। प्लांट और फाइटोप्लांक्टन, जब लाइट अनुपस्थित होती है तब ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं। जो बॉटम फीडर्स होते हैं, जो गहरे जल में रहने वाले जीव होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन 1-6 मिलीग्राम पर लीटर की आवश्यकता होती है। और जो शैलो वाटर फिश नीडेड हायर लेवल्स, दैट मीन्स उनको 4-15 मिलीग्राम पर लीटर की आवश्यकता होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन इवेल्यूटिंग द पॉल्यूशन पोटेंशियल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। देयर आर 3 मेथड्स फॉर डीओ डिटर्मिनेशन। फर्स्ट विंकलर्स मेथड, सेकंड पोलरोग्राफिक मेथड, थर्ड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड मेथड। इन नेचुरल वाटर एंड वेस्ट वाटर डीओ लेवल्स डिपेंड ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ वाटर बॉडीज। द एनालिसिस ऑफ डिजॉल्व प्लेस अ की रोल इन वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंट्रोल। टू मेथड्स आर यूज्ड, द विंकलर और आइडोमेट्रिक मेथड एंड द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूजिंग अ मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। विंकलर्स मेथड, इस मेथड में आयोडाइड आयन को आयोडीन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस मेथड में स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से आयोडीन को ट्रीट किया जाता है और उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जाता है। स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ विंकलर्स मेथड, यहाँ पर 3 रिएक्शन जो कि इस विंकलर्स मेथड में संपन्न होती है। मैग्नस सल्फेट ऑक्सीजन और एल्कली अजाइड रिएजेंट से रिएक्शन करके मैंगनिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर यह मैंगनिक हाइड्रोक्साइड आयोडाइड से रिएक्शन करके आयोडीन फॉर्म करता है, जिसमें कंसेंट्रेट H2S4 के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। मैग्नस सल्फेट पुनः जनरेट होता है और इसके बाद में फ्री आयोडीन जनरेट होती है। इस फ्री आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से ट्रीट किया जाता है और सोडियम टेट्रा थायोनेट और सोडियम आयोडेट बनता है। इस प्रकार 5 ml ऑफ 0.05 m Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जो कि 1 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन के बराबर होता है। विंकलर्स मेथड प्रोसीजर, इसमें 250 ml ऑफ BOD बॉटल ली जाती है, जिसमें 100 ml सैंपल लेते हैं। 2 ml of 40% of KF solution, then 1.2 ml of 36% MnSO4 लिया जाता है। इसके बाद में इसमें
2 ml of alkaline iodide azide solution लिया जाता है और इसको 1 लीटर तक डाइल्यूट किया जाता है। इसको शेक करने के बाद इसमें बाइट पीपीटी बनता है। देन इसमें 6 ml of 12 NH2SO4 concentrated H2SO4 ऐड किया जाता है, जिसके कारण ये प्रेसिपिटेट जो है डिसॉल्व हो जाता है। देन इसमें जो लिबरेट हुई आयोडीन उसको 0.025 mg सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है यूजिंग स्टार्च एज ए इंडिकेटर। इसमें ब्लू कलर जो स्टार्च इंडिकेटर हम डालते हैं उसके बाद ब्लू कलर आता है, और ब्लू कलर जब हम उसको सोडियम थायोसल्फेट से ट्रीट करते हैं तो वो है डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर्मूला दिया गया है डिसॉल्व ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ सैंपल है, 8 कांस्टेंट है, थाउजेंड्स फॉर ये भी कांस्टेंट इन वॉल्यूम इन लीटर। स्मॉल वी वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड नॉर्मलिटी ऑफ टाइट्रेट। पोलेरोग्राफिक मेथड जो कि इलेक्ट्रोड बेस्ड मेथड है, जिसमें ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। O2 कैन बी रिड्यूस एट वेरियस इलेक्ट्रोड इन एक्वस सॉल्यूशन इफ अ स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड। O2 डिफ्यूज टू द इलेक्ट्रोड द हाइट ऑफ वेव I proportional to the level of dissolved oxygen. इस मेथड में 10 ml सैंपल पोलेरोग्राफिक सेल में लेते हैं और 0.1 ml of 1 m KCl लिया जाता है और इसके साथ ही लिटिल मर्करी भी लिया जाता है। इसके बाद इंसर्ट द DME विद अ हेड ऑफ 50 सेंटीमीटर of Hg and take reading of current at potential increasing with -0.12 - 1.5 volt. The height of wave I for the sample is proportional to the level of dissolved oxygen. जितना ज्यादा height peak का आएगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन उस सैंपल में डिसॉल्व है। इस प्रकार हम एक निर्धारित ऑक्सीजन की मात्रा डिसॉल्व करके उसमें एक कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं और उस कैलिब्रेशन कर्व से डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल हम चेक करते हैं कि उसमें कितना ऑक्सीजन लेवल, कितना मिलीग्राम पर लीटर डिसॉल्व ऑक्सीजन उपलब्ध है। करंट वर्सेस पोटेंशियल, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं सैंपल, एक सैंपल जिसमें पीक बहुत ही हाई पीक है, दैट मींस उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, और एरेटेड सैंपल जिसमें थोड़ी कम ऑक्सीजन है, और एक डी ऑक्सीजनेटेड सैंपल या जिसे ब्लैंक सैंपल कहेंगे या बनाया गया, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है। इस डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हम पता कर सकते हैं कि वह जल प्रदूषित है या जलीय जीवों के लिए उपयोगी है या नहीं। मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड मेथड, जिसमें मर्करी इलेक्ट्रोड की जो समस्या है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स के कारण मर्करी इलेक्ट्रोड की पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण वह प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता, प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाता। इस समस्या को मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड मेथड में सॉल्व किया गया है। मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड मेथड 2 इलेक्ट्रोड मेथड है, जिसमें सिल्वर और लेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया है। इसमें KHCO3
का सेचुरेटेड सॉल्यूशन उपयोग किया जाता है और पॉलीथीन की 0.06 mm थिक मेम्ब्रेन का उपयोग किया गया है। इसमें गैल्वेनिक सेल को डायरेक्टली पीएच मीटर से कनेक्ट किया गया है जिसमें डिजोल्व ऑक्सीजन जिस प्रकार पीएच रीडिंग 0 to 14 बिटवीन मेजर की जाती है वैसे ही इसमें हम डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल 0 to 14 मिलीग्राम पर लीटर में हम मेजर कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो है सिल्वर इलेक्ट्रोड पर डिफ्यूज होती है, जितनी ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं बीओडी और सीओडी में डिफरेंस की। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इज ओनली मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन बाय एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज और ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। इसमें हम केवल ऑर्गेनिक मैटर जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है और उस डिकम्पोजिशन में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बीओडी कहते हैं। सीओडी में उस जल में उपस्थित सभी प्रकार के ऑर्गेनिक और केमिकल्स जिनका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है वो ऑक्सीजन सीओडी के अंतर्गत आती है, अर्थात जिसमें अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बीओडी की तुलना, अर्थात बीओडी हमेशा कम होती है सीओडी से, क्योंकि सीओडी में वे सभी जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के रासायनिक अणु आ जाते हैं जिनको ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाना है। यहां पर आप देख रहे हैं बीओडी इंक्यूबेटर। बीओडी की डेफिनेशन को समझते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय जीवों के लिए कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह जैवीय ऑक्सीजन मांग कहलाती है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन अ बॉडी ऑफ वाटर टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल एट सर्टेन टेम्परेचर ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यहाँ पर हम देख रहे हैं बीओडी को मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है और इसमें बीओडी सैंपल को मेजरमेंट के दौरान 5 डेज के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीओडी इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इसमें कुछ सावधानियां ये रखी जाती है कि उस सैंपल में पर्याप्त मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए ताकि वह उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर सके। अगर उसमें ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बीओडी टेस्ट नहीं हो पाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अपर्टस रिक्वायर्ड इन बीओडी मेजरमेंट, सर्वप्रथम बीओडी इंक्यूबेटर जिसमें हमें 5 डेज के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैंपल को रखना होता है और फिर बीओडी बॉटल जो कि ऊपर से एयर टाइट होती है और जिसमें बाहरी ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता वो बीओडी बॉटल उपयोगी होती है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के ग्लासवेयर जैसे पेपेट प्यूरेट वॉश बॉटल सिलेंडर और कॉनिकल फ्लास्क की आवश्यकता होती है। बीओडी जो बहुत ही शुद्ध जल होता है उसमें बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम होगी और मॉडरेट पोल्यूटेड वाटर में 2 to 8 होगी और जो ऑर्डिनरी डोमेस्टिक सीवेज जो घरों से निकलने वाला सीवेज वाटर है उसमें 150 to 200 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी होगी। फाइव डेज इंक्यूबेशन के बाद में सैंपल में डीओ लेवल डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है और पहले भी जब हम
बीओडी बॉटल को इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसके पहले भी हम उसका बीओडी लेवल चेक करते हैं, उसका डिफरेंस और वॉल्यूम ऑफ बीओडी बॉटल, देन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। इस प्रकार हम बीओडी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिजनरेट ऑल पॉल्यूशन इन अ केमिकल वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हीटिंग इन जनरल विद केमिकल डिस्ट्रक्शन यू कैन रिमूव मोर पॉल्यूशन देन विद बायोलॉजिकल वे एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर विच इंडिकेट्स द मास ऑफ O2 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अभी देखा हमने कि रासायनिक अणुओं को जिनको हमें ऑक्सीडाइज करना है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा रिक्वायर्ड है या जो पोल्यूटेंट्स जिसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा रिक्वायर्ड है उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है जबकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में ऑक्सीडेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ये मेजर डिफरेंस इसमें है। मेजरमेंट ऑफ सीओडी, द मेथड इज बेस्ड ऑन सीओडी ऑफ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट। द अमाउंट ऑफ अनरीडेड पोटेशियम डाइक्रोमेट is then determined by titration with standard ferrous ammonium sulfate solution. इसमें सिल्वर सल्फेट का उपयोग किया जाता है जो कि स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आदि का इंटरफेरेंस को कम करता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट Ag2SO4 catalyze the oxidation of straight chain aliphatic compounds aromatic hydrocarbon and pyridine and HgSO4 ties up chloride as soluble complex and prevent its interference. यहाँ पर HgSO4 क्लोराइड के इंटरफ्रेंस को रोकता है। इस प्रोसीजर में 5 to 50 ml of sample हम 250 ml of flask में लेते हैं और 10 से 20 ml 0.25 N potassium dichromate in 18 N H2SO4 में लेते हैं, then add silver sulfate and HgSO4 add करने के बाद उसको 6 घंटे के लिए reflux करते हैं, then cool titrate excess K2Cr2O7 with 0.1 N Mohr salt ferrous ammonium sulfate solution in 8N H2SO4 using 8 to 10 drops of ferrogen indicator as इस प्रकार हम CO2 का कैलकुलेशन कर सकते हैं। V1 वॉल्यूम ऑफ ferrous अमोनियम सल्फेट रन डाउन इन द ब्लैंक एक्सपेरिमेंट, V2 वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट रन डाउन इन द टेस्ट एक्सपेरिमेंट, N नॉर्मलिटी ऑफ FAS सॉल्यूशन, X वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल टेकन। फॉर फर्दर रीडिंग प्लीज रेफर दीज बुक्स, Environmental Chemistry Nagel Bonds, Environmental Chemistry B.K. Sharma, Analytical Chemistry H. Kaur, Environmental Chemistry by A.K. Day and Water Chemistry V.L. Swan Inc. and D. Jenkins. Question first, Winkler method is used for analysis of total dissolved solid, dissolved oxygen, alkalinity, dissolved carbonic nitrogen, all of these.
स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन डे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन डे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 days, 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 days एंड 0 डिग्री 10 डिग्री फॉर 5 days. थैंक यू.